27 अक्टूबर सन 2001, 76 साल की उम्र में मुमताज हमें बुला रही है, अब हमें जाना ही पड़ेगा। उम्र में प्रदीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वो कई नया फिल्मों का खजाना। हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है। राह हुआ जमाना, आता नहीं दुबारा। ऊंची कदकाठी, घुंघराले बाल, जलवों की कसम तेरे, और चौड़ा माथा, बुलंद आवाज और राजा बादशाहों जैसी चाल ढाल। लेने दो फूलों को इनायत होगी, पुना है तू गाना नहीं। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अगर हम ये पूछें कि दिल में ऐ जाने तमन्ना क्या कहना इन महके महके हारों का, कुछ खुशबू तेरे हाथों की, कुछ रंग तेरे रुखसारों का। तरोताजा लगते हैं, रात क्या है? अच्छा, पता नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है, उनकी मेहरबानी है। आंखें न जाने, दिल जानता है। मुझे याद है कि पहले दिन शूटिंग में मैं कितने ग्लास पानी पी गया था, मुझे याद भी नहीं है, बहुत ही पानी पी गया था। सवार जन्म लेंगे हम तुम न जुदा। भारतीय सिनेमा के इतिहास के ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों में सिर्फ बतौर हीरो ही काम नहीं किया, बल्कि फिल्मी दुनिया में राजसी अंदाज को एक अलग रूप भी दिया। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में उन्हें समान रूप से सफलता मिली। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और अशोक कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के आगे वे डटे रहे। ऐतिहासिक चरित्रों को उन्होंने यादगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अभिनेता प्रदीप कुमार जी की। सुभान अल्लाह, ये मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तौबा, हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। तो पहले मैं, बहुत दिन पहले की बात है, 1943 उस वक्त ये लड़ाई चालू, वॉर वाज ऑन, और मैं अरोरा स्टूडियो, अभी भी है कलकत्ता में ऑन द नॉर्दर्न साइड, वहाँ एज एन असिस्टेंट कैमरामैन मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। तेरे बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा, टूट के बरसा पानी, काली काली ये घटाएं ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। सुभान अल्लाह, ये इस पीछे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। चूंकि मैं जिस फैमिली में बिलोंग करता हूँ वो बहुत कट्टर ब्राह्मण, और क्या नाम, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, और उन दिनों में जिन दिनों में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तो उन दिनों में इसको बहुत माना जाता था। तो मुझे याद आया, भारत
4 जनवरी सन 1925 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जन्मे प्रदीप कुमार के पिता सुरेंद्रनाथ मटवायल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। पिता चाहते थे कि प्रदीप कुमार भी वकालत करे, लेकिन प्रदीप कुमार का झुकाव तो बचपन से ही थिएटर की तरफ था, लेकिन पिताजी का सख्त आदेश था कि एक्टर कभी मत बनना। तो न देखो के बहक जाए कहीं हम आखिर कोई किन सा है। न्यू थिएटर की बंगाली फिल्म अलकनंदा में प्रदीप जी के किरदार को देख फिल्मकार देवकी बोस ने उनकी प्रतिभा पहचानी। बोस के प्रयत्नों से पिताजी ने भी अभिनेता बनने की इजाजत दे दी। बंगला फिल्मों में सन 1947 में आई अलकनंदा, 50 के दशक में प्रदीप कुमार बम्बई आकर फिल्म स्थान से जुड़ गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म आनंद मठ से प्रदीप कुमार की हिंदी फिल्मों में पहचान बनी। इसमें पृथ्वीराज कपूर और गीता पाली जैसे नामी कलाकार भी थे। और बोलने का अंदाज उन्हें महाराजा साबित करने के लिए काफी था। जब के आशिफ की फिल्म मुगले आजम लंबी खींची जा रही थी तो फिल्मी स्थान ने उसी कथानक पर अनारकली बनाकर रिलीज कर दी। ये सन 1953 की बात है। सलीम का रोल पहले शमी कपूर को दिया जाने वाला था, लेकिन बाद में वो प्रदीप कुमार के पाले में आ गया। देश भर में अनारकली की धूम मच गई। इसके गीत संगीत ने दर्शकों का ऐसा मन मोह लिया कि फिल्म ने कई शहरों में गोल्डन जुबली बनाई। राज कपूर के रोल में सबसे ज्यादा जचने वाले प्रदीप कुमार ने सब तरह की भूमिकाएं की हैं। फिल्म आरती में मीना कुमारी के साथ उनका मार्मिक रोल था। ऐतिहासिक चरित्रों के अलावा प्रेम कथाओं में फिल्म बहु बेगम, फिल्म भीगी रात, कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म रतिया सुल्तान में उन्होंने गुलाम अल्तमिश के किरदार को यादगार बना दिया। प्रदीप कुमार ने अपने समय की मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जैसे नरगिस के साथ रात और दिन, सन 1960 में आई फिल्म घूंघट, इसमें प्रदीप कुमार ने आशा पारेख के साथ काम किया, 1963 में आई ताजमहल। दोस्तों, प्रदीप कुमार अभिनीत की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों के नाम बता दें आपको। सन 1958 में आई फिल्म अदालत, फिल्म चित्रलेखा आई थी सन 1964 में, 1956 में आई फिल्म जागते रहो और राजहट काफ़ी चर्चित रही, 1961 में आई फिल्म पासपोर्ट, 1971 में आई फिल्म महबूब की मेहंदी, इसमें उन्होंने एक चरित्र भूमिका निभाई थी। सन 1970 में आई फिल्म हरिश्चंद्र तारावती में वो आखिरी बार नायक के रोल में दिखाई दिए।